हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ कलरिंग के बारे में। तो ग्राफ कलरिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक होता है आपका वर्टेक्स कलरिंग, दूसरा होता है एच कलरिंग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टेक्स कलरिंग के बारे में, तो बाद में डिस्कस करेंगे एच कलरिंग के बारे में। तो वर्टेक्स कलरिंग क्या होती है, बेसिकली ये आपका गिवन ग्राफ है और इसमें हमें क्या करना, इस ग्राफ में टोटल कितने वर्टिसेस हैं, 4। तो इनको क्या करना है, सारे वर्टिसेस को कलर करना है। लेट सपोज हमने एक कलर ले लिया रेड, तो हर एक वर्टेक्स को रेड से कलर कर दिया। ओके, तो ये हो गई वर्टेक्स कलरिंग, जो कि इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग क्या पार्ट है आपका, प्रॉपर कलरिंग। ओके, प्रॉपर कलरिंग की डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ एडजेसेंट वर्टिसेस हैव डिफरेंट कलर। यहाँ अगर देखेंगे तो सारे जो है वर्टेक्स का कलर रेड ही है, तो अगर हम इसकी प्रॉपर कलरिंग करेंगे तो प्रॉपर कलरिंग में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, इसको अगर हमने रेड से कलर कर दिया इस वर्टेक्स को, तो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर रेड नहीं होगा। तो लेट सपोज हमने यहाँ ले लिया ब्लैक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्लैक। अब इसका जो है एडजेसेंट कलर जो है ब्लैक नहीं होगा, और इसका एडजेसेंट कलर रेड है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर कलरिंग हो गई। अब अगर हमें इसका एडजेसेंट कलर लेना हो, ओ क्या चीज़, क्या ले सकते हैं, क्या ये ब्लैक ले सकते हैं, नहीं, क्या हम रेड को यूज़ कर सकती है, यहाँ हम रेड यूज़ कर सकते हैं और इधर क्या कर सकते हैं, ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। तो क्या इसको हम प्रॉपर कलरिंग कहेंगे, देखो ये आपका रेड था, इसके एडजेसेंट कलर देखो कहीं रेड है, नहीं है, इसका मतलब प्रॉपर कलरिंग। ये आपका ब्लैक, इसके एडजेसेंट कलर क्या है, रेड। यहाँ हम डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस ब्लैक की जगह हम ग्रीन ले सकते हैं और यहाँ हम ब्लू ले सकते हैं। ओके, ब्लू नहीं, कोई और ले लें, बी से जो है। तो अगर देखें ये दोनों एडजेसेंट कलर जो हैं वो डिफरेंट हैं, यहाँ दोनों एडजेसेंट कलर, तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्या हो रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन सिर्फ क्या है, इफ़ एडजेसेंट वर्टिसेस हैव डिफरेंट कलर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर कलरिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉपर कलरिंग ये हो गई। नेक्स्ट, अब जो हमें पढ़ना है, जो मतलब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो कि आपका क्रोमेटिक नंबर। कोई भी आपका गिवन ग्राफ होगा, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से, कोई भी आपका गिवन ग्राफ होगा उसके कारस्पॉन्डिंग क्या करना होगा, हमें फाइंड करना होगा क्रोमेटिक नंबर। तो क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर नीडेड फॉर अ प्रॉपर कलरिंग ऑफ ग्राफ, दैट कैपिटल जी इज नथिंग बट ग्राफ। तो इसका मतलब ये है कि इसे हमें इस तरीके से कलर करना है कि वो प्रॉपर कलरिंग भी हो और मिनिमम नंबर ऑफ जो है कलर यूज हो। तो अभी हमने यहाँ दो कलर एक्स्ट्रा ले लिए थे, वो भी क्या आपकी प्रॉपर कलरिंग है, लेकिन अगर हमने इसको रेड कलर किया तो इसको हम ब्लैक करेंगे और इधर रेड करेंगे, इससे यानी यहाँ जो है आपका क्रोमेटिक नंबर के विच इज इक्वल्स टू क्या, ये क्या आपका, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, साई ऑफ जी विच इज इक्वल्स टू के, यानी कोई भी एक गिवन ग्राफ है उसका हमें क्या करना है, क्रोमेटिक नंबर निकालना और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, के। तो यहाँ के क्या आपका, 2 है। देखो यहाँ रेड और ब्लैक ही यूज होने हैं, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब इसको अगर देखें, लेट सपोज हमने इसको रेड से अगर कलर कर दिया, तो ना तो अब इसको रेड से कर सकते हैं, ना तो इसको रेड से कर सकते हैं, ना ही, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सारे एडजेसेंट है। लेट सपोज हमने इसको ब्लैक कर दिया, तो अब इसको हम ब्लैक नहीं दे सकते और रेड नहीं दे सकते, तो हमें कोई एक नया कलर देना पड़ेगा, इसको हमने ग्रीन दे दिया फॉर एग्जांपल। तो अब देखो क्या हम इसको रेड दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि रेड इसका एडजेसेंट है। ग्रीन दे सकते हैं, नहीं, क्या ब्लैक दे सकते हैं, यस, इसको हम ब्लैक दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वर्टेक्स इसका एडजेसेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, इसका क्रोमेटिक नंबर के विच इज इक्वल्स टू 3। ओके, नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं, लेट सपोज इसको हमने रेड कलर दे दिया, तो अब इसके एडजेसेंट कलर कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, यानी एडजेसेंट वर्टेक्स को हम रेड नहीं दे सकते। लेट सपोज हमने इसको ब्लैक ले लिया, ओके, तो अब ब्लैक अगर ले लिया तो इसका एडजेसेंट वर्टेक्स दोनों ब्लैक नहीं हो सकता, तो हमें कोई एक तीसरा कलर, सपोज इसकी बात करें, लेट सपोज हमने इसको ग्रीन दे दिया। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ क्या हम ब्लैक दे सकते हैं, नहीं, ग्रीन और रेड में से कोई भी हम दे सकते हैं, लेट सपोज हमने ग्रीन ले लिया, क्योंकि देखो ब्लैक ये जो वर्टेक्स है इसका सिर्फ एडजेसेंट है और इधर है, अभी हमने इसको कलर नहीं किया है, लेकिन ये ब्लैक है तो अब ये ब्लैक नहीं हो सकता, बाकी प्रीवियस कलर हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो एडजेसेंट नहीं है। तो ये वर्टेक्स ना तो इसका एडजेसेंट है ना तो इसका, क्या हम इसको ग्रीन दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट, रेड दे सकते हैं, यस, रेड इसको दे सकते हैं। अब ये हो गया, अब इसको देखो ये किसका किसका एडजेसेंट है, रेड कलर का और ग्रीन कलर का, तो क्या इसको हम ब्लैक दे सकते हैं, यस, इसको भी ब्लैक दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों नॉन एडजेसेंट है। और ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर नीडेड फॉर अ प्रॉपर कलरिंग, यहाँ प्रॉपर कलरिंग में हम कितने भी जो है कलर यूज़ कर सकते हैं, बट क्राइटेरिया क्या है, एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर जो होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर क्रोमेटिक नंबर की बात करेंगे तो क्रोमेटिक नंबर में क्या होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज़ करेंगे प्रॉपर कलरिंग के लिए, तो इसकी भी क्या आएगी,
क्रोमेटिक नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। तो कोई भी आपका गिवन ग्राफ होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे वो क्या आएंगे कि उस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर फाइंड करो। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज इसकी। ओके सो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, क्रोमेटिक नंबर ऑफ कंप्लीट ग्राफ इज n। ओके अगर कोई भी आपका कंप्लीट ग्राफ गिवन है तो उसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस के बराबर होगा। क्या मतलब, लेट सपोज ये हमारा एक कंप्लीट ग्राफ है K3। ओके अगर ऐसे में क्या करना है, इसका क्रोमेटिक नंबर फाइंड आउट करना है तो मिनिमम कलर यूज करके हमें इनके वर्टेक्स को कलर करना है। लेट सपोज अगर हमने इसको रेड ले लिया तो क्या हम इसको रेड ले सकते हैं, नहीं इसको नहीं ले सकते, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, हर एक वर्टेक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। तो अगर ये रेड लिया है तो इसको हमें ब्लैक लेना पड़ेगा और इसके लिए हमें ग्रीन, क्योंकि ये इसका एडजेसेंट है और ये इसका एडजेसेंट है और ये इसका एडजेसेंट, यानी हर एक वर्टेक्स एडजेसेंट है, तो हर एक वर्टेक्स को हमें डिफरेंट कलर देना पड़ेगा। तो देखो कितने कलर यूज करें, 3, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 3। एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर सपोज दैट इसको हमने रेड कलर दे दिया तो ना आप इसको रेड दे सकते हैं, ना इसको दे सकते हैं, ना इसको दे सकते हैं। लेट सपोज हमने इसको ब्लैक कर दिया तो अब इसको और इसको ब्लैक नहीं दे सकते हैं, तो इसको क्या कर दिया, लेट से ग्रीन। अगर ग्रीन लिया तो ये एडजेसेंट हो जाएगा, तो इसको हमने ले लिया येलो। तो ये क्या है आपका K4। तो इस दो एग्जाम्पल से आई थिंक क्लियर हो गया कि बेसिकली ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, साई ऑफ के एन, के एन क्या होता है आपका कंप्लीट ग्राफ और ये क्या है क्रोमेटिक नंबर का सिंबल विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टिसेस। नेक्स्ट दैट मीन्स क्रोमेटिक नंबर ऑफ साइकिल, साइकिल ग्राफ। तो यहाँ क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी जब नंबर ऑफ वर्टिसेस ग्राफ में इवन होंगे, क्रोमेटिक नंबर 3 होगा जब नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे, ऑड होंगे। देखो ये क्या आपका इवन लेंथ साइकिल, ये क्या आपका साइकिल, दैट मीन्स इवन लेंथ साइकिल और ये ऑड साइकिल है। तो देखते हैं क्या, तो इवन के लिए आएगा 2, अगर सपोज दैट हमने इसको रेड कर दिया है तो अब इसको रेड नहीं कर सकते और इसको रेड नहीं कर सकते। लेट सपोज हमने इसको ग्रीन कर दिया, ओके तो अब इसको हम ग्रीन कलर नहीं दे सकते, बाकी रेड यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों वर्टिसेस एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, तो इसको हमने रेड दे दिया, इसको रेड नहीं दे सकते, ग्रीन यूज कर सकते हैं, ये हमें मिनिमम कलर यूज करना। तो देखो कितने नंबर ऑफ कलर यूज हुए, 2, तो यहाँ क्या आ रहा है आपका 2। ऑड लेंथ पे चेक कर लेते हैं, लेट सपोज इसको हमने अगर रेड दे दिया तो अब इसको और इसको रेड नहीं दे सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन देना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, क्या इसको हम ग्रीन दे सकते हैं, नहीं रेड, हाँ क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट नहीं है तो हमने क्या कर दिया, रेड दे। इसको रेड दे सकते हैं, नहीं क्योंकि ये इसका एडजेसेंट हो जाए, ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, तो ग्रीन यूज़ कर लिया। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे रेड दे सकते हैं, नहीं क्योंकि ये आपका एडजेसेंट क्या है, रेड का। ग्रीन दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, तो इसलिए हमें एक नया कलर यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमने ब्लैक यूज़ किया, तो इसमें नंबर ऑफ कलर कितने आ रहे हैं, 2, इसमें नंबर ऑफ कलर कितने आ रहे हैं, 3। इसका क्रोमेटिक नंबर 2 है, इसका क्रोमेटिक नंबर 3 है, देखो यही है। नेक्स्ट क्रोमेटिक नंबर ऑफ व्हील ग्राफ 4 होगा, कब, जब नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन होंगे, 3 कब होगा, जब नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑड होंगे। चेक कर लेते हैं, तो ये क्या है आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है, ऑड, 1, 2, 3 एंड 4, 5। ओके ये व्हील ग्राफ ये भी है, व्हील ग्राफ ये भी है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ऑड वाला, चेक करते हैं कि इसमें 3 आ रहा है कि नहीं। अगर इसको हमने रेड कलर यूज़ कर लिया तो अब ना तो इसको रेड दे सकते हैं, ना ही इसको दे सकते हैं, ना ही इसको दे सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट सपोज हमने इसको ग्रीन यूज़ कर लिया। अब देखो अब इस वर्टेक्स से जितने भी एडजेसेंट होंगे उसको हम ग्रीन नहीं दे सकते। अब देखते हैं इसको, क्या हम इसको ग्रीन दे सकते हैं, नहीं, रेड यूज़ कर सकते, यस, देखो ये रेड इसका एडजेसेंट नहीं है तो इसलिए हम इसको रेड यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, क्या हम ग्रीन कलर, देखो रेड तो दे ही नहीं सकते, ग्रीन दे सकते हैं, यस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है ग्रीन, बाकी बचा बीच में, तो ये ग्रीन का भी एडजेसेंट है, रेड का भी है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, एक नया कलर यूज़ करना होगा। इसका क्रोमेटिक नंबर कितना आ रहा है, 3। देखो जब एन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑड हैं तो कितना आ रहा है, 3। अब इसको चेक कर लेते हैं, लेट सपोज इसको हमने रेड दे दिया तो ना तो अब इसको दे सकते हैं, ना ही इसको दे सकते हैं, ना ही इसको दे सकते हैं, क्योंकि सारे इसके एडजेसेंट हैं। लेट से इसको हमने ग्रीन दे दिया, अब इसको ग्रीन नहीं दे सकते, इसको भी ग्रीन नहीं दे सकते, तो अब इसको हमने लेट सपोज ब्लैक दे दिया, तो अब इसको ब्लैक तो नहीं दे सकते क्योंकि हर एक वर्टेक्स एक दूसरे का एडजेसेंट इस पर्टिकुलर ग्राफ, तो लेट से हमने इसको येलो दे दिया, तो इसका क्रोमेटिक नंबर कितना आ रहा है, 4। देखो जब n इवन है तो 4 आएगा और n जब ऑड है तो 3 आएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं, ओके सो क्रोमेटिक नंबर ऑफ बाइपार्टाइट ग्राफ इज ऑलवेज 2। ओके तो ये क्या है आपका क्रोमेटिक नंबर ऑफ बाइपार्टाइट ग्राफ, वो क्या होगा, हमेशा 2 होगा। लेकिन हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
ये आपका बाइपार्टाइट ग्राफ बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके ग्राफ में वर्टिसेस होते हैं ये दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं, और जो इस सेट में प्रेजेंट होगा वो सारे क्या होंगे, नॉन एडजेसेंट होंगे, यानी कोई भी एज यहाँ नहीं होंगे, कोई भी एज नहीं होंगे, यानी इस सेट में भी कोई एज नहीं होगी एक दूसरे के बीच में। लेकिन एक पॉइंट यहाँ ये यह है कि अगर सपोज इस तरीके से आपका बाइपार्टाइट ग्राफ गिवन हो जिसमें कोई भी एज प्रेजेंट ही नहीं है, ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, इट्स अ काइंड ऑफ नल ग्राफ, ओके, तो इसका जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो 1 होगा, क्योंकि हम इसको भी सारे कलर से कर सकते हैं, इसको भी एक ही कलर से कर सकते हैं। ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है, तो अगर इस तरीके से पूछे कि एक आपका बाइपार्टाइट ग्राफ है जिसमें कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है, तो उसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, उसका क्रोमेटिक नंबर 1 होगा, क्योंकि इसको भी हम एक ही कलर से कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्या हैं, नॉन एडजेसेंट हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी एजेस प्रेजेंट है इस तरीके से, ओके, ये क्या आपका बाइपार्टाइट ग्राफ, तो इस सेट में क्या होगा, सारे एलिमेंट, लेट सपोज 1 को हमने रेड दे दिया, इसको भी रेड दे सकते हैं, यहाँ भी रेड दे सकते हैं, ओके, लेकिन इस सेट में कोई ना कोई एडजेसेंट एलिमेंट है क्योंकि एज प्रेजेंट है, तो लेट सपोज हमने इसको ब्लैक दे दिया, इसको भी ब्लैक दे सकते हैं, इसको भी ब्लैक दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं, नॉन एडजेसेंट, यहाँ भी नॉन एडजेसेंट, इसलिए कोई भी आपका बाइपार्टाइट ग्राफ होगा उसका जो, चाहे बाइपार्टाइट हो या कंप्लीट बाइपार्टाइट हो, उसमें हमेशा क्या होगा आपका क्रोमेटिक नंबर 2 होगा, दो कलर से हम पूरे ग्राफ को कलर कर सकते हैं, लेकिन 1 कब होगा, जब कोई भी एज प्रेजेंट नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट, क्रोमेटिक नंबर ऑफ ट्री इज 2, तो यहाँ भी वही केस है कि अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस मोर देन 1 है, लेट सपोज एक आपकी एक ट्री है इस तरीके से जिसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स है, तो ये भी आपकी ट्री है, तो इसको सपोज हमने रेड कलर दे दिया, तो इसका क्या हो गया, क्रोमेटिक नंबर 1 है, लेकिन हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये ट्री जो है आपकी इस तरीके से है, ऐसे, तो अगर सपोज दैट इसको हमने रेड कलर दिया तो हम इसको ब्लैक दे सकते हैं, इसको ब्लैक दे सकते हैं, इसको रेड दे सकते हैं, तो देखो इसका भी क्रोमेटिक नंबर क्या आ गया, 2 हो गया। और कोई ट्री ले लें इस तरीके से जिसमें 3 नोड हो, लेट सपोज ऐसे ले लिया और ये ले लिया, इसको अगर रेड लिया तो इसको हम ब्लैक ले सकते हैं, इसको भी ब्लैक ले सकते हैं, इसको भी ब्लैक ले सकते हैं, इसको रेड ले सकते हैं, इसको रेड ले सकते हैं, तो हर एक लेवल पे हम क्या करेंगे, कलर चेंज। एक लेवल पे हमने क्या किया, रेड को ले लिया, नेक्स्ट लेवल पे क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, नेक्स्ट लेवल पे, ये रेड ब्लैक ट्री नहीं है, ये ट्री है जिसमें हम कलर रेड ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, या हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपको ट्री गिवन हो, चाहे वो बाइनरी ट्री हो, नॉर्मल ट्री हो, इस तरीके से भी अगर कोई ट्री दे दी हो जो कि बाइनरी नहीं है, ओके, तो ये भी क्या है, ट्री है, राइट। ट्री क्या होता है, जिसमें कोई साइकिल ना हो और सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड हो। लेट सपोज हमने इसको क्या कर दिया, रेड दे दिया, तो बाकी इसको भी ब्लैक दे सकते हैं, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, सारे ब्लैक आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रोमेटिक नंबर 2। नेक्स्ट, क्रोमेटिक नंबर ऑफ प्लानर ग्राफ इज एटमोस्ट 4। कोई भी आपका अगर गिवन ग्राफ प्लानर है तो उसको मैक्सिमम 4, यानी उसमें अगर उसको हमें कलर करना है तो मैक्सिमम 4 कलर की जरूरत होगी, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होगी, 4 या 4 से कम में ही सारा हो जाएगा। लेट्स सपोज इसको देखते हैं, ये हमारा प्लानर ग्राफ है, इसको अगर हमने रेड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा आपका, ब्लैक, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट, ये और ये भी एडजेसेंट है इस वर्टेक्स, इस एज के थ्रू, तो इसको हमें कोई एक नया कलर देना पड़ेगा। देखो ये भी आपका एडजेसेंट है, ये क्या है आपका कंप्लीट ग्राफ, बेसिकली कंप्लीट ग्राफ जिसमें 4 वर्टेक्स प्रेजेंट है, तो लेट्स ये येलो है, तो इसका मतलब मोर देन 4 नहीं हो सकता, 5 कलर की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी प्लानर ग्राफ को कलर करने के लिए। इसको देख लेते हैं, तो लेट सपोज हमने इसको दे दिया रेड कलर, तो इसका एडजेसेंट है तो ये हमें ब्लैक देना पड़ेगा, ये इसका एडजेसेंट है बट इसका नहीं है, तो इसको हम रेड कलर यहाँ रिपीट कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश यही है कि हमें मिनिमम कलर यूज़ करना है। अब यहाँ आ गए तो ये रेड का एडजेसेंट है और ये रेड, लेकिन ब्लैक को हम यहाँ रीयूज कर सकते हैं, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, ये क्या है आपका, ब्लैक का एडजेसेंट है बट रेड का नहीं है, तो इसको हम रेड यूज़ कर सकते हैं, ये अब रेड का है लेकिन ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, इधर क्या यूज़ कर सकते हैं, रेड यूज़ कर सकते हैं, इधर ये रेड का एडजेसेंट है, इधर से रेड का एडजेसेंट है, इधर से भी, तो इसको हम ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ इसका क्रोमेटिक नंबर रेड और ब्लैक, तो इसका क्रोमेटिक नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका क्रोमेटिक नंबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कोई भी आपको अगर प्लानर ग्राफ गिवन है तो उसका क्रोमेटिक नंबर मैक्सिमम कितना होगा, 4, ओके। सो एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं, और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा ग्राफ आपको दिया है क्वेश्चन में, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम जो है इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, इफ़ मैक्सिमल क्लिक इन अ ग्राफ कैपिटल जी ऑफ ऑर्डर एन, ओके, कोई एक मैक्सिमल क्लिक है जिसका ऑर्डर एन का मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस, अगर उसमें एन है तो क्या होगा, देन
क्रोमेटिक नंबर ऑफ दैट ग्राफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन. अब देखो यहाँ क्लिक क्या और मैक्सिमल क्लिक क्या. फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करें तो क्या इस ग्राफ में कोई कंप्लीट ग्राफ प्रेजेंट है. देखो कंप्लीट ग्राफ अगर इसको देखें तो यहाँ एक कंप्लीट ग्राफ है जिसमें तीन वर्टेक्स हैं, यहाँ एक कंप्लीट ग्राफ है जिसमें तीन वर्टेक्स हैं, यहाँ एक कंप्लीट ग्राफ है, यानी बहुत सारे कंप्लीट ग्राफ है तीन तीन वर्टेक्स के. क्या इसके अलावा और कोई भी कंप्लीट ग्राफ है? यस. अगर इसको देखेंगे केयरफुली तो यहाँ भी क्या है, एक कंप्लीट ग्राफ प्रेजेंट है, यानी कंप्लीट ग्राफ के फोर भी है, कंप्लीट ग्राफ के थ्री भी है. अगर के थ्री है तो ऑब्वियसली बात है के टू भी होगा. क्यों? देखो ये भी एक कंप्लीट ग्राफ है यानी के टू भी है. तो अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट ग्राफ फाइंड आउट करेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा कंप्लीट ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस ज़्यादा हैं उसको क्या कहेंगे, मैक्सिमल क्लिक. एक बार और रिपीट कर देते हैं, कोई भी एक आपका गिवन ग्राफ है उसमें क्या करेंगे, कंप्लीट ग्राफ फाइंड आउट करेंगे, यानी वो उसका एक पार्ट होगा, दैट मीन्स सबसेट होगा, सब ग्राफ होगा. अगर इस ग्राफ में कोई ऐसा सब ग्राफ मिल रहा है जो ऑलरेडी आपका कंप्लीट ग्राफ है, तो देखो ये भी एक के थ्री है, ये के थ्री है, के थ्री के थ्री, और बीच में क्या है, के फोर है. तो अगर K2 ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट, तो K2, K3, K4 में फाइंड आउट करेंगे कौन सा जो है कंप्लीट ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस ज़्यादा है, यानी ऑर्डर n. तो ये क्या होगा आपका, K4 सबसे बड़ा होगा, इसी को क्या कहेंगे, मैक्सिमल क्लिक. तो अगर मैक्सिमल क्लिक इसमें ऑर्डर n यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे ग्राफ की, ग्राफ के जब क्रोमेटिक नंबर फाइंड आउट करेंगे तो वो n के इक्वल या उससे बड़ा ही होगा. चेक कर लेते हैं. देखो ये आपका कंप्लीट ग्राफ है, तो सबसे पहले इनको कलर असाइन कर देंगे. लेट्स से ये रेड कलर हो गया, ये ब्लैक कलर, ये ग्रीन कलर और ये वाइट कलर. ओके, ये हमने कलर असाइन कर दिए, तो फोर कलर तो इन चारों वर्टिसेस ने ले लिए. अब चेक करते हैं इसको, क्या इसको हम रेड और ब्लैक दे सकते हैं? नहीं. वाइट यूज़ कर सकते हैं? यस, इसको हम वाइट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट नहीं है. इसको, ये आपका ब्लैक है, ये ग्रीन है, क्या इसको हम वाइट दे सकते हैं? यस, इसको भी वाइट दे सकते हैं, क्योंकि ना तो ये वर्टिसेस इसके एडजेसेंट है ना ही ये है. अब यहाँ आते हैं, ये वाइट है और ये आपका ग्रीन है, तो क्या इसको हम ब्लैक दे सकते हैं? यस, इसको हम ब्लैक दे सकते हैं, बहुत इजीली इसको हम ब्लैक दे सकते हैं, तो ये भी फाइन है. ये आपका रेड है और ये वाइट है, तो क्या हम इसको ब्लैक दे सकते हैं? यस, इसको भी ब्लैक दे सकते हैं. तो देखो इसका जो क्रोमेटिक नंबर आया वो 4 आया, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई आपको मैक्सिमल क्लिक इस ग्राफ में मिल रहा है, तो मैक्सिमल क्लिक क्या है आपका, के फोर. नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 4. तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 4 जो है कलर की रिक्वायरमेंट होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है. ओके, तो लेकिन यहाँ 4 के बराबर आ रहा है, तो इसलिए इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो ये क्या हो गया आपका, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. अब इस एग्जाम ये आपका गेट में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसमें क्या इसमें कोई क्लिक प्रेजेंट है. तो देखो ये मैं दिखने से लग रहा है कि ये 4 वर्ड जैसे उसी तरह का है, लेकिन ये आपका कंप्लीट ग्राफ नहीं, तो ये आपका क्लिक नहीं है. तो इसमें मैक्सिमल क्लिक क्या है, ये आपका 3 वर्ड्स का, 1, 2, 3, ये भी है मैक्सिमल क्लिक, 1, 2, 3, बहुत सारे जो है 3 थे, यानी के 3 इसमें प्रेजेंट है. तो इसका मतलब मिनिमम 3 कलर तो चाहिए चाहिए. तो लो कलर कर लेते हैं, ये आपका रेड कलर है, लेट्स से ये ग्रीन है और ये ब्लू है. ओके, अब इसके अपोजिट साइड में ये दिया हुआ है, तो क्या करते हैं इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी 3 कलर चाहिए. तो अगर इसको सपोज दैट, क्या हम ग्रीन दे सकते हैं? नहीं. ओके, पर हम इसको ब्लैक दे सकते हैं और इसको ग्रीन दे सकते हैं. देखो ये आपका रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, तो इसको ब्लैक दे सकते हैं, इसको ग्रीन दे सकते हैं, इसको रेड, यस, इसको रेड दे सकते हैं. तो अभी तक हमने सिर्फ 3 ही कलर यूज़ किए हैं. अब हमारे पास 2 वर्टिसेस और प्रेजेंट है जिसे हमें क्या करना है, कलर करना है. तो क्या इसको रेड दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एडजेसेंट है. क्या इसको ब्लैक दे सकते हैं? नहीं. ग्रीन? नहीं, रेड ऑलरेडी हो चुका है. तो इसका मतलब हमें एक नया कलर यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए. अब देखो, ना तो इसको रेड दे सकते हैं, ना ही ग्रीन दे सकते हैं, ना ही ब्लैक दे सकते हैं, और ना ही रेड. तो वाइट इसका एडजेसेंट नहीं है, तो वाइट भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ जो है आपका क्लिक क्या मिला था, के 3, यानी नंबर ऑफ वर्डिसेस उस क्लिक में कितने थे, 3, लेकिन कलर कितने यूज हुए हैं, 4. तो इसका मतलब इस ग्राफ का अगर क्रोमेटिक नंबर फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4. ओके, 4, तो 4 क्या है, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3. इसका नंबर ऑफ कलर कितने यूज हुए हैं, 4, और क्लिक की साइज़ की मैक्सिमम क्लिक की साइज़ कितनी थी, 3. तो देखो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो ये इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मतलब था. अब नेक्स्ट, ये आपकी एक थ्योरम है कि कोई भी आपका गिवन ग्राफ है उसका जो क्रोमेटिक नंबर होगा लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, यहाँ डेल्टा क्या आपका मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम डिग्री किसी भी नोट की. ओके, ये आपका एक एग्जांपल दिया हुआ, इससे समझते हैं. ये आपका जो है वो एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 4 वर्टिसेस हैं. अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री कैलकुलेट करेंगे, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 2 है. इसका मतलब
लेस देन और इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, तो वन प्लस डेल्टा का मतलब क्या हो गया, फोर। देखो वन प्लस थ्री विच इज इक्वल टू फोर, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ की जो होगी वो क्रोमेटिक नंबर फोर के इक्वल या उससे कम होगी। देख लेते हैं, अगर इसको हमने रेड कलर दिया है तो इसको रेड नहीं दे सकते, इसको रेड नहीं दे सकते, इसको भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारे क्या हैं, इसके एडजेसेंट हैं। पर इसको हम ब्लैक दे सकते हैं, यस इसको हम ब्लैक दे सकते हैं। अगर इसको ब्लैक दिया तो इसको ब्लैक नहीं दे सकते और रेड भी नहीं दे सकते, तो इसको लेट से हम ग्रीन ले लेते हैं। इसको ग्रीन नहीं दे सकते, रेड नहीं दे सकते, पर ब्लैक दे सकते हैं। तो अगर देखें इसका जो क्रोमेटिक नंबर है वो कितना है, थ्री है, तो क्रोमेटिक नंबर थ्री इज लेस देन और इक्वल टू फोर, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ये वाला थ्योरम हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कि आपका मैक्सिमल क्लिक कोई, क्योंकि ये क्या है, आपका बड़ा सा ग्राफ दिया रहेगा, उसमें सबसे क्या पहले क्या करना होगा, मैक्सिमल क्लिक फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद पहले उसको कलर कर लेंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमें ये पता चलेगा मिनिमम तो इतना होगा, उसके अलावा कितना होगा वो हमें चेक करना होगा। तो ये था आपका क्रोमेटिक नंबर और ग्राफ कलरिंग के बारे में। ओके।